हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 2022 के सेकंड सेटिंग में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x + 2 के बहुपद अगर अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये गामा है, किसी का मामा नहीं है, ठीक है ना। अल्फा गुना बीटा, बीटा गुना गामा प्लस अल्फा गुना गामा, ठीक। तो इसका मान हम लोग निकालते हैं। हम लोग जानते हैं इसमें जो शून्यक है और जो गुणांक है उनके बीच तीन रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तीन रिलेशन। पहला रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, ठीक। दूसरा रिलेशन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, ठीक है। तीसरा रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो इस रिलेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बटा ए। चलिए सी का वैल्यू, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे। सी का वैल्यू देखेंगे, -3x नहीं लिखते हैं, खाली चर लिखते अचर लिखते हैं, गुणांक लिखते हैं, उसका गुणांक -3 बटा ए का वैल्यू 6 कट गया, 3 का 3, 3 दोना 6, -1/2, यही आपका आंसर होगी। देखेंगे इसमें जो है ये एक द्विघात बहुपद दिया है, इसमें कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा इसके बहुपद इसके शून्यक हो तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं, लिखेंगे x² -3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, -3x, -3 में 1 से -3 और फिर -5। इसको हम लिख सकते हैं x² -3x, दोनों माइनस में है, जोड़ देंगे -8, ठीक है। अब जो है हम लोग जानते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, ठीक, फिर अल्फा में 1 से अल्फा, फिर 1 में बीटा से बीटा और फिर 1 में 1 से 1, ठीक है। अब अल्फा बीटा का मान माइनस बल्कि अल्फा बीटा का मान सी बाई ए हो गया, फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए हो गया और उसके बाद प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे सी का मान, वहाँ देखिए सी का मान कितना है जी, सी का मान ये बी और वो सी हो गया, सी का मान -8 है, -8 बटा ए का मान 1 है, ठीक है, बटा 1 लिख दिए। उसके बाद प्लस प्लस है, उसके बाद माइनस बी है तो डबल माइनस हो गया, एक उसके पास माइनस है, एक उसके पास माइनस है, ठीक है। तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस वहाँ पर है, देख रहे हैं ठीक से, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 3 + 3 बटा ए का वैल्यू 1, ठीक है। अब हम 1 हटा भी सकते हैं, बटा के नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वहाँ पर देखेंगे +1 उतर गया, अब देखेंगे -8 है और ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों का काम कर देंगे, तो +3 और +1 + 4 हो गया। अब उसके बाद माइनस ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह है, घटा देंगे, 8 में से 4 गया, 4 माइनस। अगला प्रश्न है 3 नंबर, x² प्लस px माइनस q हो यदि इसके बहुपद यदि इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान निकालना है, ठीक है। तो माने कि एक शून्यक को हम लोग x मान लेते हैं तो दूसरा शून्यक जो है इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x होगा, ओके। अब कह रहा है देखिए q का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है। या का चिन्ह देंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू एक्स इंटू तो फिर बीटा का वैल्यू 1/x बराबर सी का वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस क्यू है बटा ए का वैल्यू 1 है, 1 नहीं लिखेंगे, एक्स एक्स कट गया, तो इस प्रकार बच गया आपका ये माइनस इसको दे देंगे तो ये आपका बचेगा क्यू बराबर ये माइनस इसको देंगे तो -1, ये आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
कि यदि दो समीकरणों के लेखा चित्र, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेखा चित्र का मतलब हुआ ग्राफ, ग्राफ का मतलब हुआ आलेख, ठीक है। दो समीकरण है, दो चर वाले, उनका ग्राफ खींचा गया है। यदि उनके ग्राफ समांतर रेखाएं हैं, यानी उनका आलेख या उनका लेखा चित्र जो है समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है, तो उसके कितने हल होंगे? ये हम लोग जानते हैं कि यदि ग्राफ समांतर रेखा होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो यही इसका आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो ये आपका आएगा y माइनस 4, इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी y बराबर 4, ठीक है। चलिए मैं इसका ग्राफ खींच के दिखाता हूँ। मान लीजिए y का वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। और x का वैल्यू इसमें नहीं है, तो x का वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो यानी कि 1 4 1 4 को प्लॉट करेंगे, 1 4, ठीक है। फिर 2 4 भी ले सकते हैं, x का वैल्यू 2। 3 4 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम इसको मिलाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो x अक्ष के समांतर होगा। किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर होगा। यानी कि अगर y का वैल्यू दिया हुआ है तो उसका ग्राफ x अक्ष के समांतर होगा, और अगर x का वैल्यू दिया हुआ है तो उसका ग्राफ खींचेंगे तो y अक्ष के समांतर होगा। ये बात क्लियर है? तो इस प्रकार इसका आंसर होगा x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। 12 नंबर प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक का शीर्ष, केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है 3,0, 3,0, ठीक है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष में दो शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। पहले शीर्ष का निर्देशांक 2,3 और दूसरे शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है -1,4, ठीक है। तीसरा शीर्ष निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक बराबर होते हैं, कैसे निकलता है, x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3, ठीक है। ओके, अब देखेंगे। लेकिन ये तो दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, 3,0। तो हम लिखेंगे 3,0 बराबर, चलिए x1 का वैल्यू बताएंगे, पहले शीर्ष का निर्देशांक कितना है 2 + दूसरे शीर्ष का निर्देशांक -1, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, प्लस तीसरे शीर्ष का निर्देशांक तो नहीं दिया है तो उसको x3 रहने देते हैं, / 3, कॉमा आपका 3 हो गया, प्लस y2 का वैल्यू 4 हो गया, और तीसरा शीर्ष नहीं दिया है तो इसका वैल्यू नहीं मालूम है तो y3 रहने देंगे और / 3 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, x वाला वैल्यू x के बराबर होगा, y वाला वैल्यू y के बराबर होगा, ठीक है। तो x वाला वैल्यू आपका आया 3 बराबर, ये कितना आया, 2 में से 1 घट गया, 1 + कितना बचा, x3 / 3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 में 3 से 9 बराबर 1 + x3, ठीक है। अब जो है 1 इधर आ जाएगा, -1 बराबर x3, तो 9 में से 1 गया 8, यानी x3 का वैल्यू आपका हो गया कितना, 8, ठीक है। उसी तरह y वाले को बराबर करेंगे तो y3 का वैल्यू निकलेगा, तो y का मान कितना है जी, 0 है बराबर, और ये आपका हो गया 3 और 4 7 प्लस y3 / 3। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 0 में कितना बड़ा हीरो से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे, 7 + y3, ठीक। अब 7 इधर आ जाएगा तो -7 होगा बराबर y3। इस प्रकार तीसरा शीर्ष जो है वो कितना हो गया, पहले x का वैल्यू लिखते हैं कितना आया, 8
तो वाई का वैल्यू कितना आया, -7, ये आपका आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 cm स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या दी हुई है 14 cm, हमको उसका तिर्यक ऊंचाई यानी L निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे कैसे, यहाँ इसका सूत्र लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल, और यहाँ 880 का 880 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो जो वैल्यू हमको मालूम है उसको पुट करेंगे, पाई का वैल्यू मालूम है 22/7, यहाँ गुना छुपा है गुना, तब आर का वैल्यू देखिएगा 14 दिया है, एल का वैल्यू निकालना है तो एल ही रहने देंगे इसको, बराबर 880, ठीक है सर, 7 × 14, ठीक है, और ये 22 से ये कट जाएगा, 22 × 4 = 88 और एक ठो अंडा यहाँ बच गया, ठीक है, और फिर 2 से इसको काट देंगे, 20 × 40, तो इस प्रकार L का वैल्यू आपका निकल गया 20 cm, ये आपका आंसर हो गया। समान ऊंचाई वाले 17 नंबर क्वेश्चन, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 9:16, ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि आयतनों का अनुपात, यानी कि V1/V2, यानी पहला का आयतन बटा दूसरे का आयतन बराबर दिया हुआ है 9:16, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है लेकिन ऊंचाई सेम है, तो इसलिए ऊंचाई दोनों मैच करेंगे, ठीक, और ये V2 की जगह पर लिख सकते हैं पाई, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, छोटा वाला आर से, पाई आर स्क्वायर एच, एच सेम रहेगा, ऊंचाई समान है, एच से एच कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार हमको बचा बड़ा वाला आर बटा छोटा वाला आर बराबर ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं 9/16 पर रूट स्क्वायर था इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4, ठीक है, तो बड़ा आर का मान 3 हो गया, छोटा आर का मान 4 हो गया, ठीक है, इसका अनुपात निकल गया 3/4, ठीक है। तब हमको सी एस ए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो सी एस ए पहले का सी एस ए जो बेलन का सी एस ए होता है वो होता है 2πRH, इसमें कैपिटल आर कर देते हैं, बटा 2π छोटा वाला आर एच, एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बड़ा आर बटा छोटा आर, इसका मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 3/4, इस प्रकार इसका आंसर 3:4 इसका आंसर हो गया। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई शंकु है उसके पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 18 m², और इसमें एक चीज और कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी L, त्रिज्या की दुगुनी है, तो त्रिज्या आर होता है, आर का दुगुना यानी 2R है, यानी कि L बराबर 2R है, हमको निकालना क्या है आधार का क्षेत्रफल, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी कि TSA टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है πR×L+R, ठीक, तो यहाँ इसका वैल्यू हम 18 रख सकते हैं, दिया हुआ है, बराबर पाई का वैल्यू आप 22 चाहे पाई रहने दीजिए, इसको गुणा करेंगे तो πR, πR, L2R और प्लस एक और आर, तो 18 का 18 हो गया, पाई का वैल्यू पाई आर इंटू ये जुड़ जाएंगे तो 3R हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो गया, कई बार में 6 बार में, तो यहाँ आपका बचा 6/πR², आर मल्टीप्लाई हो गया R², तो हम जानते हैं कि किसी भी शंकु या बेलन का जो आधार होता है, बेस होता है, पेनी होता है, वो गोल होता है, वृत्त के आकार का होता है, ठीक,
और वृत्त, जब उसका आधार वृत्त होता है तो यानी कि आधार का क्षेत्रफल जो है उतना ही होगा जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो आधार का क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो पाई आर स्क्वायर हम लोगों ने निकाला है कितना, 6, इसलिए यही इसका आंसर होगी। 18 नंबर प्रश्न में दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, यानी कि पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन बराबर है 8:27, अनुपात यानी बटा, ठीक है। तो अब जो है गोले का आयतन हम लोग जानते हैं 4/3 पाई, इसको कैपिटल आर या छोटा आर कर देते हैं, नीचे वाला बड़ा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई, इसको कैपिटल आर कर देते हैं, ठीक है। 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और बराबर आपका बच गया 8/27। अब देखिए ये होल क्यूब हो गया, दोनों पर क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं आर बटा बड़ा आर बराबर क्यूब रूट, क्यूब रूट अंडर 8/27, या अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो एक और उस आसान उपाय है, इसको हम लिख सकते हैं छोटा आर बटा बड़का आर पर होल क्यूब, दोनों पर क्यूब, 8 कितना का क्यूब है 2 का, 27 कितना का क्यूब है 3 का, तो इस पर अब हम होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक, तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो इस प्रकार छोटा आर बटा बड़ा आर का मान आ गया आपका 2/3। अब हमको क्या कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, तो गोले में संपूर्ण कहिए चाहे वक्र कहिए दोनों एक ही होता है, क्योंकि उसमें वक्र या मतलब उसमें ढक्कन और पेनी नहीं होता है, विजिबल नहीं होता है, ढक्कन और पेनी नहीं होता है, एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो पहले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr² बटा, इसका होगा 4πR², ठीक, 4π से 4π कैंसिल हो गया, देखिए 4π से 4π कैंसिल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं छोटा आर बटा बड़ा आर पर होल स्क्वायर। अब इसका मान तो हम लोग निकाले हैं भाई, कितना निकाले हैं 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पर होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस प्रकार इसका आंसर हो गया 4:9 आंसर। 20 नंबर प्रश्न है किसी गोले का TSA यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया 616 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 616 cm², ठीक है, उसका व्यास हमको निकालना है, तो बहुत ही आसान है, इसको देख सकते हैं TSA के जगह पर उसका सूत्र लिख देंगे 4πr² बराबर 616, 4 से इसको काट देते हैं, 15 चौके 60, 4 चौके 16, ठीक है। अब यहाँ बचा पाई यानी 22/7, और आर स्क्वायर तो नहीं है, तो आर स्क्वायर रहेगा बराबर 154, 22 से इसको उधिया देंगे 7 बेर में, 22 सौ 154, या आर स्क्वायर बराबर 7 में 7 से गुना होगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7² स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर 7 cm, तो हमको व्यास निकालना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हें कि हरबड़ी में 7 पर टिक लगा दीजिएगा, तो व्यास हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या का डबल होता है, तो 7 × 14 cm, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, उसमें बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर हम लोग बनाएंगे अपने समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद AD का मान दिया हुआ है 4 और DB का मान दिया हुआ है x-4, AE का मान 8 दिया हुआ है और EC का मान 3x-19 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इतना बटा इतना बराबर होगा इतना बटा इतना, ठीक है, यानी थेल्स परमे से, तो थेल्स परमे से यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/ x-4 बराबर होगा 8/3x-19, ठीक है। अब हम तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, 4 में इन दोनों से 4 × 3 = 12x - 4 में 19 से 76 बराबर 8 में x से 8x - 8 में 4 से 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, चर चर एक तरफ करके चर चरा देंगे, यानी 12x
और ये प्लस 8x है, इधर आ जाएगा माइनस 8x, ठीक है, बराबर इधर बचा आपका माइनस 32, और इसको इधर ले आ लेंगे तो प्लस 76, ठीक। तो 12 में से 8 गया 4x बचा, और 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 44 बचा, 4 से ये कट गया 11 बार में, तो x बराबर 11 आंसर हो गया। 23 नंबर प्रश्न में दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एबीसी का क्षेत्रफल 81 दिया हुआ है और पीक्यूआर का क्षेत्रफल 49 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि एरिया यानी त्रिभुज एबीसी की जो ऊंचाई है वो 4.5 है, तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई को H1 और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई को हम लोग H2 मान लिए हैं। ये प्रमेय नंबर 6.6 में पढ़ाया गया है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। तो केवल संगत भुजाओं के ही नहीं, संगत माध्यिकाओं के या संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस प्रमेय के अनुसार हम जान चुके हैं कि जो संगत ऊंचाई होगी उसका भी स्क्वायर के ये बराबर होगा, तो यहाँ पर अब हम इसका वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू 81 है और इसका पी क्यू आर का वैल्यू 49 है, एच वन का वैल्यू 4.5 और एच टू का वैल्यू नहीं दिया है, तो ये नहीं दिया हुआ है। अब देखिए ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये आपका बच गया 9 और ये आपका बच गया 7, तो बराबर 4.5 बटा एच टू, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 9 में H2 से, 9H2 बराबर 7 में कितने से, 4.5 से, 9 से ये कट गया 0.5 बार में, ठीक। तो इस प्रकार H2 जो है उसका वैल्यू हो गया 7 × 35 3.5 cm, ये आपका आंसर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस, रोम्बस का एक विकर्ण दिया हुआ है D1 यानी डायगनल, डायगनल फर्स्ट, पहला विकर्ण दिया हुआ है 6 cm और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 8 cm, हमको इसका भुजा निकालना है। तो सम चतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, आप लोग भी नोट कर लेंगे और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी होगा, 8वां क्लास में पढ़ाया गया है। सम चतुर्भुज की भुजा बराबर हाफ रूट अंडर D1² + D2², इस आधार पर हाफ रूट अंडर D1 का वैल्यू 6 है, 36 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, प्लस D2 का वैल्यू 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है, हाफ इंटू रूट अंडर 100 हो गया बराबर हाफ इंटू 100 का रूट 10 हो गया, 2 से 1 कैंसिल हो गया 5 बार में, तो इस प्रकार 5 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, त्रिभुज एबीसी का परिमाप 36 cm है, त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप 24 cm है और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। तो पीक्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10 और एबी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है, क्षेत्रफल रहेगा तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है और परिमाप रहेगा तो वर्ग हटा देंगे यानी स्क्वायर नहीं रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया एबीसी बट्टा एरिया पीक्यूआर बराबर, इसका एक संगत भुजा एबी हम ले लेते हैं और इसका हो जाएगा पीक्यू, ठीक है, एबी बटा पीक्यू, या इसका वैल्यू हम बैठा देते हैं कितना है 36 और इसका वैल्यू 24, इसका वैल्यू नहीं दिया है एबी रहने देते हैं, इसका वैल्यू 10, ठीक है। अब जो है 9 के पहाड़ से इसको काट सकते हैं, सॉरी 6 के पहाड़ से काट सकते हैं, 6 × 36 6 × 24, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 × 3 = 6 2 × 2 = 4, उसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, या इसको 2 से इस 10 को काट सकते हैं, 2 × 5 = 10, तो एबी का वैल्यू हो गया तिरछा तिरछी गुना कर देंगे 3 × 5 = 15, तो एबी बराबर आपका 15 cm, ये आपका आंसर हो गया। देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 cm² है, तो इसका परिमिति हम लोग को ज्ञात करना है,
परिमिति कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4√3 दिया हुआ है। यहाँ या का साइन देंगे और इस तरफ जो है फॉर्मूला लिख देंगे। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं √3/4a² बराबर 4√3। √3 से √3 कट गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 4×4, तो 4² भी लिख सकते हैं या 16 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कट गया, a बराबर 4 cm, ठीक है। तो हमको भुजा नहीं निकालना है, हमको परिमिति निकालना है। परिमिति को हम इस तरह से समझेंगे कि तीनों भुजाओं को, त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसी को परिमिति कहेंगे। चार भुजा होगा, चारों को जोड़ देंगे। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज यानी इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे। 4+4+4 या 4×3 बात बराबर हुआ, तो ये आपका हो गया 12 cm आंसर। तो 27 नंबर प्रश्न में है कि त्रिज्या 12 cm है, यानी आर का वैल्यू 12 cm है, और हमको अर्धवृत्त की कुल परिमिति निकालनी है। क्या निकालनी है? अर्धवृत्त की कुल परिमिति। इसको हम लोग समझेंगे। अर्धवृत्त ये आपका आधा वृत्त है। कुल परिमिति कैसे निकलेगा? कुल परिमिति का मतलब हो गया कि यहां से लेकर यहां तक, यानी आधी परिधि, परिधि का आधा और प्लस ये यानी व्यास, ठीक है। तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति आपका होगा, हाफ वृत्त की परिधि प्लस ये जो है, ये रेखा, इसको व्यास कहेंगे, ठीक है। तो जो हाफ है, हाफ इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वृत्त की परिधि 2πr प्लस व्यास के जगह पर हम लिख सकते हैं 2r, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पाई का वैल्यू पाई, r का वैल्यू पाई, का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए हम r कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए दोनों में r है, r कॉमन निकालेंगे, तो r कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचता है पाई प्लस यहाँ क्या बचता है 2। अब जो है r का वैल्यू हम 12 कर देते हैं, तो 12 × π + 2, तो इस प्रकार यही हमारा आंसर हो गया, 12 × π + 2। ऑप्शन में 12 यहाँ लिखा हुआ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार बी हमारा सही आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वलय का क्षेत्रफल बताना है। तो वलय का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है π×r² + r², यही आपका आंसर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त में 8 cm लंबी जीवा है। मान लीजिए कि ये जीवा है, ए बी इसका नाम है, ए बी नाम है, 8 cm लंबी है। केंद्र से इसकी दूरी यानी इस पर लंब डाला जाएगा, दूरी निकालने के लिए लंब डालेंगे, ठीक है। केंद्र से इसकी दूरी 3 cm है, ठीक है। नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इस प्रकार ये अगर 8 cm का है तो 4 cm यहाँ होगा और 4 cm यहाँ होगा, ठीक। अब जो है हमको क्या निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको मिला देते हैं। ये जो है ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो हम लोग इस यहाँ पर जो लंब डाले हैं इसका नाम देते हैं। तो हम देखेंगे त्रिभुज ओ ए डी में, ये 90 के सामने वाले को H कहते हैं, तो H निकालना है। H बराबर होता है √P² + B² बराबर √3² + 4² बराबर √9 + 16 बराबर √25 बराबर 5। तो इस प्रकार OA जो है निकल गया, कितना निकला, 5 निकला। तो ये त्रिज्या है, हमको व्यास निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास जो है 10 cm, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। कितना है? 9:4।
तो उनकी परिधियों का अनुपात निकालना है। इसको हम शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं क्षेत्रफल में फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी स्क्वायर करने पर 9:4 आ रहा है, तो केवल आर रहेगा तो इसका रूट होगा, यानी 3:2 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 कैसे होगा इसको बना के भी हम दिखा देते हैं। देखिए, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर बटा पाई छोटा वाला आर स्क्वायर दिया है कितना, 9:4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हम इसको लिख सकते हैं आर बटा आर होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 3:2 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। आर बटा आर का वैल्यू निकला कितना, 3:2, हमको निकालना है परिधियों का अनुपात, ठीक है। परिधि का अनुपात कैसे निकलेगा, 2 पाई कैपिटल R बटा 2 पाई स्मॉल R, ठीक है, 2 पाई कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका आर बटा आर, तो आर बटा आर का वैल्यू कितना आया है जी, 3:2, तो इस प्रकार 3:2 ये जो है आंसर हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई अक्ष का समीकरण है, वाई अक्ष का समीकरण, तो हम लोग जान लें कि कोई बिंदु वाई अक्ष पर तभी पड़ता है जब उसका एक्स का वैल्यू जीरो होता है, एक्स का मान कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स बराबर जीरो, तो यही आपका आंसर हो गया। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो दो घन है, इसमें हम देख सकते हैं कि नीचे वाला घन यानी बटा के नीचे वाला घन बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं छोटा ए क्यूब, ठीक है, बटा बड़ा ए क्यूब कर देते हैं, बड़ा है वो, तो ये आपका दिया हुआ है कितना, 1:27, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं छोटा ए बटा बड़ा ए पर होल क्यूब बराबर 1/3 पर होल क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, इस प्रकार छोटा ए बटा बड़ा ए का वैल्यू आ गया आपका कितना, 1/3। अब हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे 6a² और इसका हो जाएगा 6A², ठीक है, बराबर 6 से 6 कट गया तो बराबर कितना होगा, इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1/3, 1/3 पर होल स्क्वायर कर देंगे तो 1 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1:9 आंसर। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गोले की त्रिज्या 2R है तो उसका आयतन निकालें, तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³, इसको बैठाएंगे 4/3 पाई के पाई और आर का वैल्यू 2R, 2R पर होल क्यूब, तो 4/3 πr, 2R 3 बार गुना होगा तो यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आवेगा और R का क्यूब करेंगे तो R³ आवेगा, तो ये आपका हो गया 4×8=32 πr³/3, यही आपका आंसर हो गया। 34 नंबर प्रश्न है 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है तो x बराबर वाट, ठीक है, तो माध्य दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि माध्य दिया हुआ है कितना जी भैया, 10 दिया हुआ है, ठीक। माध्य कैसे निकालते हैं, ऐड करेंगे 6+8+9+x+ कितना, 13, कितना आइटम है, 1, 2, 3, 4, 5 आइटम, तो बटा 5 बराबर कितना, 10, ठीक है, इसको ऐड करेंगे अचर को अचर में, 6, 8, 14, 9, 23, 23 और 13, 36, एक्स के एक्स प्लस 36 के 36 बराबर 10 में 5 से तिरछा तिरछी गुना होगा तो 10 × 5=50, तो एक्स बराबर 50 प्लस 36 इधर आ जाएगा -36, एक्स बराबर 14, ये आपका आंसर हो गया। 35 नंबर में कह रहा है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका बराबर वाट, माध्यिका निकालना है, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग बता चुके हैं कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़ा दिया होगा, जो नंबर्स दिया होगा, उसको हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले सजा लेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं, इसमें सबसे छोटा आपका 6 हो गया, उसके बाद आपका 8 हो गया, उसके बाद आपका 9 हो गया, उसके बाद आपका 15 हो गया, उसके बाद आपका 16 हो गया, उसके बाद आपका 16 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद आपका 21 हो गया, 21 के बाद आपका 22 हो गया,
22 के बाद आपका 25 हो गया, गिन के देख लें, कोई छूटा नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आइटम है, पदों की संख्या 9 है, तो 9 + 1 हम लोग जानते हैं माध्यिका बराबर, और यदि अगर माध्यिका निकालने के लिए यदि n विषम है तो n + 1/2 वां पद होगा, ठीक है, तो 9 है तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 का आधा करेंगे तो 5, यानी पांचवा पद जो है, पांचवा जो ऑब्जर्वेशन है वही इसका माध्यिका होगा, ठीक है। तो यह एक और उपाय है कि हम देख सकते हैं सीधे दिखाई दे रहा है, बीच में कौन पड़ रहा है 16, चार इधर हट गया, बीच में कौन पड़ रहा है 16, तो इसलिए इसका माध्यिका बराबर 16, ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया 16। 36 नंबर क्वेश्चन है, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक होगा, बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें देखेंगे कि कौन सा पद सबसे ज्यादा बार आ रहा है, भोजपुरी में सबसे ज्यादा हाली जोन आई वह बहुलक हुई, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, 23 कई बार आ रहा है देखिए एक बार, 15 कई बार आ रहा है देखिए एक बार, 25 कई बार आ रहा है 1 2 3, 25 तीन बार आ रहा है, सबसे अधिक बार 25 आ रहा है, ठीक है ना, सबसे अधिक बार कौन आ रहा है 25, इसलिए इसका बहुलक बराबर 25 इसका आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर निकालना है, ठीक है, परिसर का बहुत आसान होता है, परिसर बराबर हो माइनस लो, हो मने हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, लो मने लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो उच्चतम मान इसमें कौन है, सबसे बड़ा मान कौन सा है, देखिए इसमें 32 है, कितना है 32 माइनस, सबसे छोटा कौन है इसमें 6 है, तो 32 गया आपका 26, ये आपका आंसर हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विषम पूर्णांक होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन विषम पूर्णांक होगा, विषम किसको कहते हैं जो दो से नहीं कटे पूरा पूरा, इसको दो से काटेंगे ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसको दो से काटेंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा, देखिए दोनों कट जा रहा है, इसको काटेंगे तो ये कटेगा और ये नहीं कटेगा, इसलिए यही इसका आंसर होगा सी नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है।
देवाकारी ए कौत नहीं ते है ना सर तुरा के है ना बुलाओ ते नहीं गाल दियो को सीख लो मान भी उफ कहीं के चौवालीस नंबर प्रश्न में है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या और एक वास्तविक संख्या। सारी परिमेय संख्याएं एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या हमेशा प्लस में होता है, जबकि परिमेय संख्या प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, बटा में भी हो सकता है। प्राकृत संख्या पूरा पूर्णांक होता है, इसमें बटा में नहीं होता है। एक पूर्ण संख्या यह भी बटा में नहीं हो सकता है, जबकि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या हो, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, लेकिन ये बटा में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए यही इसका आंसर हो गया, वास्तविक संख्या, ठीक है। पैंतालीस नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 22/7 कौन सी संख्या है, 22/7 कौन सी संख्या है, ठीक है। तो 22/7 हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी पूर्णांक है, p by q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या ही इसका आंसर होगा, ठीक है। परिमेय संख्या इसका आंसर हो गया। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि px का घात 7 दिया हुआ है और gx का घात 3 दिया हुआ है, तो px बटा gx का घात कितना होगा? तो हम जानते हैं कि बटा मतलब भाग होता है, भाग में घात जो है घट जाता है, तो 7 में से 3 गया तो कितना हुआ? इसका आंसर 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है भाई। 49 नंबर प्रश्न में है, px का x शून्यक -2 है, तो px का गुणनखंड होगा। तो हम जानते हैं शून्यक है यानी x का वैल्यू है कितना? -2, ठीक है। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 जो है यही इसका गुणनखंड होगा, यानी x प्लस 2 से px में भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो x प्लस 2 हो गया, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न में माध्य दिया हुआ है 27 और माध्यिका दिया हुआ है 33 और हम लोग को बहुलक निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, 10वां क्लास में दिया हुआ है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इस पर हम पुट कर देंगे तो 3 गुना, यहाँ गुना छुपा है, माध्यिका का मान 33 माइनस 2 गुना माध्य का मान 27, तो ये आपका हो गया 33 99 -27 2 54, घटा देंगे 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, तो इस प्रकार 45 हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 54 में जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको निकालना बहुत ही आसान है, लिखेंगे हारने की प्रायिकता बराबर 1 - 0.4। कैसे घटाएंगे? 1 में पॉइंट नहीं है तो 1.0 - 0.4, 10 में से 4 गया 6 हासिल लेंगे तो 0 में से 0 हो गया, ये पॉइंट यहां पे देंगे 0.6 इसका। प्रश्न संख्या 55 में कह रहा है कि दो सिक्कों को उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो हम लोग जानते हैं दो सिक्कों को उछालने पर हमारे पास टोटल परिणाम कितने होंगे। हो सकता है पहला सिक्का में भी हेड आए और दूसरे में भी हेड आए, तो हेड हेड हो गया पहला परिणाम। दूसरा हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड आए लेकिन दूसरे सिक्का में टेल आए, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि पहले सिक्का में टेल आए और दूसरे सिक्के में हेड आए। या ये भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों में टेल आ जाए। तो इस प्रकार
एक शीर्ष यानी एक हेड, एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो किसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है, इसमें, यानी एक परिणाम ऐसा है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी ऊपर एक, और टोटल परिणाम कितना हो गया, चार, तो एक बटा चार इसका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो हमको एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्स इंटू बी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, या हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 14, तो 14 और प्लस ये कितना बचा, 2 एकम 2, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 14 2 16, 16 यानी 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस प्रकार एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 4, ये हमारा आंसर हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कुल दूरी हम लोग जानते हैं, कुल दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुना परिधि, किसकी परिधि, चक्के की परिधि, तुम्हारी परिधि नहीं, चक्के की परिधि, तो कुल दूरी आपका दिया हुआ है कितना 88 किलोमीटर, इसको मीटर में हम चेंज करते हैं तो 88,000 मीटर होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000, तो 88 किलोमीटर में 88,000 बराबर चक्करों की संख्या कितनी दी हुई है, 1000 और गुना परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, अब आपका बचा ये 2 से 88 कट गया कई बार में, 44 बार में, तो 44 बराबर पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू नहीं दिया है, तो आर होगा 22 × 44, तो इस प्रकार आर का वैल्यू हो गया 63 गुना होगा 7 × 14 cm, 14 मीटर, तो व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर आर का डबल होता है, तो 14 का डबल कितना हो जाएगा 28 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 55 में कह रहा है कि 2 सिक्कों को उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो हम लोग जानते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर हमारे पास टोटल परिणाम कितने होंगे, हो सकता है पहला सिक्का में भी हेड आए और दूसरे में भी हेड आए, तो हेड हेड हो गया पहला परिणाम, दूसरा हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड आए लेकिन दूसरे सिक्का में टेल आए, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पहले सिक्का में टेल आए और दूसरे सिक्के में हेड आए, या ये भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों में टेल आ जाए, तो इस प्रकार एक शीर्ष यानी एक हेड, एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो किसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है, इसमें, यानी एक परिणाम ऐसा है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी ऊपर एक और टोटल परिणाम कितना हो गया, 4, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो हमको एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, किसका वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्स इंटू बी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, या हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 14, तो 14 और प्लस ये कितना बचा 2 एकम 2, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 14 2 16, 16 यानी 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस प्रकार एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 4, ये हमारा आंसर हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कुल दूरी हम लोग जानते हैं, कुल दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुना परिधि, किसकी परिधि, चक्के की परिधि, तुम्हारी परिधि नहीं, चक्के की परिधि, तो कुल दूरी आपका दिया हुआ है कितना 88 किलोमीटर, इसको मीटर में हम चेंज करते हैं तो 88,000 मीटर होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000, तो 88 किलोमीटर में 88,000 बराबर चक्करों की संख्या कितनी दी हुई है, 1000 और गुना परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है,
ये तीन जीरो से ये तीन जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका बचा ये दो से 88 कट गया कई बार में, 44 बार में, तो 44 बराबर पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू नहीं दिया है, तो आर होगा 22 × 44। तो इस प्रकार आर का वैल्यू हो गया मीटर, 14 मीटर। तो व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर आर का डबल होता है, तो 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। हाँ, 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यदि cos 32 बराबर x है और cos 58 बराबर y है, तो इसमें रिलेशन दिया हुआ है चार रिलेशन, कि x बड़ा है y से, या y बड़ा है x से, या x बराबर है y से। तो हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान होता है आपका 1, ठीक है, और cos 90 का मान होता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि cos में जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। यानी कि कम एंगल वाले का वैल्यू ज्यादा होगा और अधिक एंगल वाले का वैल्यू कम होगा। तो इस प्रकार कम एंगल वाला का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी एक्स बड़ा होगा वाई से, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, तो देखेंगे ये जो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin²θ। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। तो इसमें वैल्यू दिया हुआ है थीटा का 45, तो हम लोग 45 ले लेते हैं। टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये आपका 1 का 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2, ये आपका आंसर हो गया। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि साइन 45 का वैल्यू पी है, ठीक है, तो साइन 48 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। साइन 48 को सबसे पहले हम साइन को कॉस में बदल सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कॉस, और उसके बाद 90 − 48, जितना एंगल है उसको घटा देंगे 90 में से, तो ये साइन जो है बदल जाएगा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा कॉस 42 डिग्री। यानी साइन 48 जो है वो कॉस 42 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 − sin²θ होगा, और कॉस थीटा बराबर √1 − sin²θ होगा। ये समझ में आया? तो हमको यहाँ निकालना है कॉस थीटा के जगह पर 42 करना है, 42 बराबर √1 − sin। साइन का वैल्यू, साइन 42 का वैल्यू दिया है कितना, पी, तो हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। 69 नंबर में है tan थीटा बराबर पी बाई क्यू, तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इसका एक लॉन्ग मेथड भी है और एक शॉर्ट मेथड भी है, ठीक है। पहले शॉर्ट मेथड से बनाते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो लॉन्ग मेथड से भी बताएंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं tan थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan के जगह पर साइन बाई कॉस, ये फॉर्मूला है, बराबर पी बाई क्यू। इस प्रकार हम साइन का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इस कॉस को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये जाके पी से गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पी कॉस थीटा अपॉन क्यू, ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब जो निकालना है उस पर चलेंगे, क्या निकालना है, पी इंटू साइन थीटा माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा बटा पी इंटू साइन थीटा प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा। चलिए इसमें साइन थीटा का वैल्यू जो हम लोग लाए हैं इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पी के पी और साइन का वैल्यू पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा बटा क्यू माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पी साइन थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, पी इंटू साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा बटा क्यू प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखेंगे पी में पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर कॉस थीटा बटा क्यू माइनस क्यू कॉस थीटा बटा, ये आपका हो जाएगा पी में पी से पी स्क्वायर कॉस थीटा बटा क्यू माइनस क्यू कॉस थीटा। अब देखेंगे आगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसका एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने पर q और 1 में गुना करेंगे तो q होगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे पी स्क्वायर कॉस थीटा में 1 से, तो ये आपका हो गया पी स्क्वायर
cos थीटा माइनस q में q से, तो q स्क्वायर cos थीटा अपॉन, उसी तरह यहाँ एलसीएम निकालेंगे, आपका एलसीएम q होगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे p स्क्वायर cos थीटा में, इसके नीचे 1 है 1 से, तो p स्क्वायर cos थीटा प्लस q cos थीटा में q से, तो q q डबल गुना होगा, तो q स्क्वायर cos थीटा, q से q कट गया, और यहां देख सकते हैं cos थीटा कॉमन है ऊपर, cos थीटा कॉमन निकाल लिए तो बचा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, बट यहां cos कॉमन निकालेंगे तो बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, cos से cos कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरी विधि से बनाते हैं, tan थीटा बराबर p बाई q है, इसको tan का वैल्यू होता है p बटा b, इस प्रकार p का वैल्यू p हो गया और b का वैल्यू q हो गया, ठीक है, p का वैल्यू p हो गया और b का वैल्यू q हो गया, h निकाल लेना है, h बराबर होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का वैल्यू p है p स्क्वायर और b का वैल्यू q है, तो ये आपका h हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे p साइन थीटा जो निकालना है, इस पर पुट करेंगे p इंटू साइन थीटा का वैल्यू p बाई h, तो p आपका हो गया p और बटा h हो गया आपका रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q आपका हो गया q इंटू कॉस का वैल्यू b बाई h, तो b का वैल्यू q है q बटा h, h का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर निकाले हैं रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटा, उसी तरह ये आपका हो जाएगा p इंटू साइन का वैल्यू p बटा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस, उसी तरह कॉस का वैल्यू हो जाएगा q इंटू अतः कॉस का वैल्यू q बटा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक। अब देखेंगे बटा का जोड़ घटाओ में अगर हर सेम है, देखिए दोनों का हर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया ऊपर वाला क्या हो गया p स्क्वायर माइनस क्यू 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 स्क्वायर अपॉन, एलसीएम वही रहेगा कितना रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा, उसी तरह नीचे आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐड कर दिए और एलसीएम उतना ही रहेगा कितना रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हर हर सेम है, नीचे वाला सेम है तो नीचे वाला कट गया, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर bq प्लस r होता है, ये हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कारण, और उसमें a का वैल्यू 37 दिया है, b का वैल्यू 4, r का वैल्यू 1, तो q का वैल्यू निकालना है, तो जो वैल्यू दिया उसको हम पुट करेंगे, या a का वैल्यू 37 बराबर b का वैल्यू देख सकते हैं 4 गुना q, q नहीं है तो qa रहेगा प्लस r का वैल्यू 1 दिया है, ये आपका हो गया 37 का 37 बराबर 4q प्लस 1, तो इसको निकालना है तो इसको खपाना पड़ेगा, प्लस 1 है इधर आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 4q, ठीक है, ये आपका 36 हो गया और ये आपका 4q हो गया, 4 से कट गया 9 बार में, तो q बराबर 9 आपका आंसर हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन है 0.105 का p बटा 2 पावर n गुना 5 पावर m रूप होगा, सबसे पहले इसका पॉइंट हम हटा देते हैं, इसको बटा में बदलते हैं, देखिए कैसे, सबके नीचे एक छुपा है, इसके नीचे भी एक छुपा है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1, 2, 3, तो इस पॉइंट को उड़ा देंगे और 3 अंडा नीचे बैठा देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो गया 105 बटा 1000, अब 5 से कटने वाला है, इसको काटेंगे 5 से, ये कटने वाला है, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, 5 से कट गया, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 से ये कट गया, अब नहीं कटेगा, अब जो है ऊपर वाला को तो पी का पी रहना है, नीचे वाले को तोड़ देंगे, 200 है ना, इसको तोड़ेंगे, 2 से कट गया 100 बार में, फिर 2 से कट गया 50 बार में, फिर 2 से कट गया 25 बार में, फिर 5 से कट गया 5 बार में, तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, देखिए 2 पावर n, 2 पावर 3, 3 × 2 है 1, 2, 3, और 5 कितना है जी 2 है, तो 5 का पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका मौसव 1 हो, यानी एक के अलावे कोई भी ऐसी संख्या ना हो जिससे वो कट जाए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 14 और 35 है, ये 7 के पहाड़ा से दोनों कट रहा है, तो इसलिए यह सह अभाज्य नहीं हो सकता है। 18 और 25 कोई भी ऐसी संख्या नहीं है सिवाय एक के जो 18 को भी काट दे और 25 को भी काट दे, इसलिए इसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं, यही हमारा आंसर हो गया।
96 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि बिंदु -2 -5 का भुज कौन है। भुज किसको कहते हैं? एक्स वाले मान को कहते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट वाला मान एक्स होता है, सेकंड वाला मान वाई होता है, तो इसलिए इसका भुज जो है वो कितना हो गया? -2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। एक्स अक्ष पर वाई नियामक होता है, याद रखेंगे हम लोग कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक जो है, एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा 0 होगा और वाई अक्ष पर एक्स का मान हमेशा 0 होगा। तो इस प्रकार एक्स अक्ष पर है इसलिए वाई का मान कितना हो जाएगा? ये हमारा 0 आंसर हो गया। 99 नंबर प्रश्न में है, एक्स अक्ष से बिंदु 3-5 की दूरी क्या होगी? याद रखिएगा, एक्स अक्ष से अगर दूरी पूछेगा तो वाई वाला मान जो है वो आंसर होगा, और y अक्ष से दूरी अगर पूछेगा तो x वाला मान जो है वो आंसर होगा। यहाँ x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो इसलिए इसका y का मान कितना है? 5 है। यही आपका आंसर हो गया। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि px का घात 7 दिया हुआ है और gx का घात 3 दिया हुआ है, तो px बटा gx का घात कितना होगा? तो हम जानते हैं कि बटा मतलब भाग होता है, भाग में घात जो है घट जाता है, तो 7 में से 3 गया तो कितना हुआ? इसका आंसर 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, प्रश्न संख्या 57 है, अंत स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ जीवा होती है? देखिए एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, ठीक है, दोनों वृत्त अंदर से स्पर्श कर रहा है, इस पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है? देखिए केवल एक हो सकती है। कितनी हो सकती है? केवल एक। इसका आंसर हो गया 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और प्रश्न है, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ जीवा होती है? यानी कि अगर कोई वृत्त बाहर बाहर टच कर रहा है तो उसकी कितनी उभयनिष्ठ जीवा होगी? एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक यहां से हो गया, तो इसका आंसर 3 होगा।